एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रात होते ही सबके घर जाती और दरवाजा खटखटाती। घर पर कोई है? कोई है घर पर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। और जैसे ही कोई दरवाजा खोलकर उस चुड़ैल के सामने आता है, वो चुड़ैल उसे मार देती है। गांव में सभी लोग उस चुड़ैल से काफी डरे हुए थे। गांव के मुखिया बोलते हैं, अरे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस चुड़ैल को इस गांव से कैसे भगाएं? ये तो सबको एक एक करके मार देगी। तभी विजय नाम का एक किसान बोलता है, पास के गांव में एक साधु बाबा रहते हैं, हम सबको उनके पास जाना चाहिए और वो हमें जैसे जैसे बताएंगे वैसे हम उपाय करेंगे, तो शायद हमें इस चुड़ैल से छुटकारा मिल सकता है और वो चुड़ैल हमारे गांव से भाग जाएगी। हाँ चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। वो सभी गांव वाले उस साधु के पास जाते हैं और जाकर बताते हैं कि बाबा, एक चुड़ैल हमारे गांव में रोज रात को दरवाजा खटखटाती है और कल रात तो उसने मेरे एक दोस्त को भी मार दिया। बाबा, इसका कुछ समाधान बताइए, नहीं तो धीरे धीरे ये चुड़ैल हम सबको मार देगी। बाबा बोलते हैं, तुम सब घबराओ नहीं, यहीं बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, तुम सब वहां जाकर ध्यान लगाकर उनकी पूजा करो और तुम लोगों को रात भर वहीं पूजा करनी है। वो चुड़ैल तुम लोगों को ढूंढते हुए वहां जरूर आएगी और वो चुड़ैल जैसे वहां आएगी, हनुमान जी की मूर्ति देखकर वो डरकर भाग जाएगी। गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो सभी हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करते रहते हैं कि रात होते ही वो चुड़ैल वहां आती है और उस मंदिर के पास जाते ही उसकी शक्ति कम होने लगती है और वो चुड़ैल वहां से डरकर भाग जाती है।